बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जिसको ये वजीफ़ा बताया चंद दिनों में करोड़पति हो, चलते फिरते अल्लाह ताला का ये नाम 786 मरतबा दिन भर में पढ़ लो। ये 786 मरतबा एक है कि आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप इसको जितना पढ़ेंगे, यानी वो हिसाब बता दूं कि जितने करोड़ चाहिए उतने ज़्यादा आप इसको मरतबा पढ़ लें। और इस नाम की बरकत से अल्लाह ताला इतना अता करता है, इतना अता करता है कि आपकी जहाँ तक सोच भी नहीं जाती ना, वहाँ तक अल्लाह ताला अता करता है। बहुत ही आसान है, एक अल्लाह ताला का नाम है। अब कोई ख़ास वक्त भी नहीं है या कहीं बैठ के इस तरह पढ़ना भी नहीं है। बस क्या करना है, दिन भर में पढ़ते रहना है। काम काज करते हुए पढ़े, खवातीन घर के अंदर पढ़े, मर्द काम पर करें, काम पर जाते हुए करें, वापसी पर आके जब भी फारग हो, जुबान से ना हो तो कम से कम दिल से ही अल्लाह ताला का नाम पढ़ते रहे। कौन सा भी शेयर करूंगा आपसे, छोटी सी गुजारिश करूंगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कॉल में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो आपने करना क्या है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक तस्बीह आपने कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ना। दुरूद शरीफ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। कम से कम एक तस्बीह दिन में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। कोई सभी पढ़े, आसान सा पढ़े, बड़ा पढ़े, छोटा, मुश्किल पढ़े, जो आपका दिल है। ठीक है, आप आसान सा भी कोई ले लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी आप आसान सा पढ़ सकें, लेकिन कम से कम एक तस्बीह आपने दुरूद शरीफ की रोज़ाना ज़रूर पढ़नी है। उसके बाद आपने अल्लाह ताला का नाम जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, या जामियो, ये चलते फिरते उठते बैठते आपने कम से कम 786 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद जब रात 12 या रात को जिस समय आप बिस्तर पे लेटे या जिस वक्त आप सोने लगे तो बिस्तर पे लेट कर फिर आपने एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़नी है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी, या अल्लाह तेरा ये नाम पढ़ा है, इस नाम की बरकत से, इस वसीले से मुझे मेरे रिस्क में, माल में, घर में, कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, हमारे घर से परेशानियों को, मुसीबतों को, मसाइल से निकाल दे। इंशाल्लाह देखिएगा इसका आपको कितना फ़ायदा होगा। और ये अमल कम अज़ कम 21 डे आप लाजमी करें, 21 डे। और ख़वातीन भी इस अमल को हर हाल में कर सकती हैं, यानी कोई उसमें नहीं है, पाकी नापाकी का नहीं, आप आलाम में कर सकती हैं, लेकिन अगर बावजू रहेंगे। क्योंकि एक हदीस में आया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह कोई आसान सा अमल बता दिए जिसमें बरकत। फरमाया कि तुम बावजू रहा करो, यानी कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए ये अमल करें, तो कोशिश किया करें बावजू रहें। जैसे वजू आपका टूट जाए तो दोबारा वजू कर लें। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से रब की ज़ात आपको ज़रूर करोड़पति कर देगा। आज नहीं तो कल आपके रिज़्क़ में, दौलत में इतना इजाफा हो जाएगा कि आपकी सोच है। ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।